शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है भारत की बात का। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में बात होगी मोदी के जन्मदिन की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी 71 साल के हो रहे हैं और जन्मदिन पर कल मोदी का वो कार्यक्रम नहीं होगा जो हर साल होता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में इस जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। समर्थक जन्मदिन का जश्न मनाएंगे तो मोदी SCO की बैठक में दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत की भूमिका दुनिया भर में बढ़ी हुई है और भारत संसार का सरपंच बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी विश्व में शांति के विश्वकर्मा बनने की ओर है। जन्मदिन पर मोदी कैसे दुश्मनों को चेताएंगे और दुनिया को क्या देंगे संदेश, भारत की बात में देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत माता की, सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। हर हर महादेव। आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। गरम चाय, बड़ा मीठी चाय, चाय बोलो चाय, गरम चाय। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह जन्मदिन खास है। मोदी, 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 मोदी। खास इसलिए क्योंकि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी से दमदार कोई नहीं, मोदी है नंबर वन। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं हूं, दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2021 के लिए जिन 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेता भी हैं। टाइम की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा गया है कि देश में 3 प्रभावी नेता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश के तीसरे सबसे प्रभावी नेता है। मोदी के बारे में लिखा गया है कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट के बाद लोगों में उनकी रेटिंग थोड़ी गिरने के बावजूद नरेंद्र मोदी सर्वोच्च बने हुए हैं। इससे पहले सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता चुना गया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया था। रामायण सुनाओ। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का उत्सव हर साल खास होता है।
इस साल खास इसलिए भी है क्योंकि अगले हफ्ते मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दो साल बाद मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात होनी। मोदी को इस जन्मदिन पर दुनिया की ओर से क्या तोहफा मिल रहा है, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि देश में उनके चाहने वाले इस मौके पर क्या कह रहे हैं। देश में कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के जश्न को देश में टीकाकरण उत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि शुक्रवार देर रात तक भारत में कोरोना टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। 17 सितंबर को देश के करोड़ों नागरिकों के नायक, हम सब के अभिभावक, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन देश के अंदर आज तक की सबसे ज्यादा टीकाकरण, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ टीकाकरण सबसे ज्यादा हुआ है, हाँ वो भी उस टारगेट को भी हम बीट अप करके आगे बढ़ेंगे। और ये हम सब लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको एक सलूट होगा, उनको सम्मान के रूप में जो काम पार्टी ने हमें 17 से 7 के बीच में दिया है, उस पखवाड़े में ये शुरुआत हेल्थ वॉलंटियर एक बम्पर शुरुआत करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर देशवासियों से अपील की है कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को सौगात दी है। हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, चलो वैक्सीन सेवा करें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, ऐसे अपनों को, परिजनों को और समाज के सभी तबकों को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का उपहार देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हिमाचल के लिए 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई। मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं ऐसा क्या करूं? तो मैंने जो आज से 3 साल पहले सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, वो 14 अप्रैल 2018 को की थी। और मात्र 3 वर्षों में जहां 3 गाड़ियों से हमने शुरुआत की थी, अब हम 17 गाड़ियां चलाते हैं। हर रोज नए गांव में वो जाती है, यानी कि रोज 17 गांव कम से कम किए जाते हैं। हमने 800 पंचायतों के 5000 से ज्यादा गांव में सुविधा को दिया है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में उपचार और दवाइयां देने का काम मात्र 3 वर्षों में करने का काम किया है। और मोदी जी की आयु लंबी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, इसलिए देश के लोगों को भी, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं और मिले। पहले ये केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 साल से चलती थी, 17 गाड़ियां थी। आज आपके कर कमलों से 15 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में भेजने का काम करने वाले हैं। कल जब मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश भर में मना रहे होंगे, ये 17 गाड़ियां भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं देने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में हर बूथ पर 111 लोगों को टीका लगेगा, स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 7 अक्टूबर तक हर जिले में प्रदर्शनी लगाएंगे। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता 15 दिनों तक कार्यक्रम चलाएंगे। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आधुनिक भारत में, आजाद भारत में जितना उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है, राष्ट्र को उद्योगों में अग्रणी बनाने का काम किया है, उसके निमित्त भाजपा 17 सितंबर से एक पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है और इसका समापन हम 7 अक्टूबर को करेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 21 दिनों तक 71 आयोजन होंगे। भारत माता मंदिर पर 71,000 दीपक जलाने, गंगा में 71 मीटर की चुनरी चढ़ाने और सभी विधानसभाओं में 71-71 किलो लड्डू वितरित करने की योजना है। और जन्मदिन के जश्न की शुरुआत हो भी चुकी है। इंदौर के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने गीत गाकर, अंतराक्षरी खेलकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। हमारे बीच है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी, मोदी, मोदी। देश जब मोदी के जन्मदिन का पखवाड़ा मना रहा होगा, प्रधानमंत्री इस दौरान अमेरिका के दौरे पर जा चुके होंगे। अमेरिका का ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित हो चुका है। चीन का तालिबान को साथ मिल रहा है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंताजनक है। मोदी अमेरिका में क्वाड की बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक बाइडेन के बुलावे पर हो रही है। क्वाड के शिखर बैठक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मिल रहे हैं। कोविड संकट के दौरान ये पीएम मोदी का पहला अमेरिका दौरा है। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर की रात तक वॉशिंगटन डीसी पहुंचने का कार्यक्रम है। 23 सितंबर को जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। लेकिन सबसे अहम दिन 24 सितंबर का होगा, जब व्हाइट हाउस में पहली बार क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक चौकड़ी के नेता एक साथ नजर आएंगे। ये पहला मौका है जब क्वाड देशों के नेता रूबरू बैठक के लिए जुटेंगे। इससे पहले अप्रैल 2021 में अमेरिका की मेजबानी में क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। क्वाड नेताओं की बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र की नई साझा रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस रणनीति में चीन के बढ़ते दबदबे के मुकाबले क्षेत्रीय सहयोग का ताना बाना मजबूत किया जाना है। क्वाड शिखर बैठक से पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिंद महासागर में मालाबार सैन्य अभ्यास के लिए एक साथ है। इस बड़े सैन्य अभ्यास के लिए युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और सैटेलाइट क्षमताओं समेत आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाना है। चारों देश मिलकर हर साल मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं और क्वाड नौसेनाओं का ये सैन्य अभ्यास क्षमताओं को आंकने की कवायद के साथ साथ चीन को भी संदेश देने का पैंतरा है। यही बात चीन को डंक की तरह चुभती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दादागिरी के खिलाफ ये चार देश एकजुट हो चुके हैं। चीन को ताकत का नमूना पेश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन खुद को सबसे ताकतवर बताकर दहशत फैलाने की कोशिश में रहता है। हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं में काफी इजाफा किया है। उसकी कोशिश अपने पनडुब्बी बेड़े को और खास तौर पर परमाणु सबमरीन की क्षमताओं को बढ़ाने की है। अमेरिका दौरे से पहले अपने जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग पर जोर होगा। 10 दिनों में दूसरा ऐसा मौका होगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस बैठक में शामिल होने के लिए दुशान्बे पहुंच चुके हैं।
माना जा रहा है कि इस मीटिंग में भारतीय कूटनीति की परीक्षा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका काफी अहम है, वो भी तब जब पीएम को अमेरिका जाना है। He will participate in the first in-person Quad Leaders Summit in Washington on September 24th. On September 25th, he will address the UN General Debate of the UN General Assembly at its 76th session. While Prime Minister is in Washington, he will also have a bilateral meeting with President Biden. We also look forward to bilateral meetings with other Quad leaders. पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के कान को मरोड़ना शुरू कर दिया है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संसद की विदेश मामलों की समिति के सामने कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर समीक्षा करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप भी नमो ऐप पर जाकर अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शपथ लेनी होगी मेक इन इंडिया से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने के साथ ही समाज सेवा में शामिल होने का। आज रात 12 बजे नमो ऐप पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी पीएम मोदी के जीवन पर आधारित होगी। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में आपसे होगी एक बार फिर मुलाकात। नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।